ये रोबोट जो है जबाने बोल तो काफी सकता है, हर जबान बोल सकता है, बट इसका प्रॉब्लम जो है प्रोनाउंसिएशन, बस इसकी अफकोर्स उतनी बेहतर नहीं है। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बेहतर आइडिया इसका, बट मेरा जो अंदाज़ा है वो इसकी जो थ्री प्रिंट्स आज तक हमारे टीचर ने प्रिंटिंग कर दी थी, देन आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मरतबा प्रिंटर ख़राब हुआ, हमें एक्सेसिबिलिटी का इशू का नहीं होता तो नहीं होता ऐसा, वरना 13,000 है। मोहम्मद हसनैन हमारे साथ हैं, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसनैन कैसे हैं आप, और ये बताएं कि ये बोलने वाला रोबोट, ये मुझे एक चीज़ क्लिक की है कि ये काम भी कर देता है, आपके जो भी काम हो वो आप इसे बोल के बताएं वो आपको करके दे देता है, तो कहीं इसलिए तो नहीं आपने बनाया था इसको? ये जो है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, इसका मेन जो फीचर है वो आपको सिस्टम्स प्रोवाइड करना, जैसे कि आपको पता है AI है, तो ये इंसान की जो बात है सुन के समझने की सलाहियत रखते हैं, साथ साथ ये बोल भी सकते हैं, बोलते वक्त अपने लिप्स को भी चलाता है, माउथ की मूवमेंट है इसमें, इसके अलावा इसमें आईज मूवमेंट है, ये अपनी आंखों को चला सकता है, इसके अलावा जो है इसके ओवरऑल फेस की मूवमेंट है, एक क्वालिटी सर वो मैंने फिक्स की थी आज, तो ये भी कर सकता है। बाकी इसके अंदर यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटी LED लगी, ये LED जो है आपको काम आती है प्रोटोटाइपिंग के लिए। अभी हम इस LED की जगह अगर एक रिले लगा के इसको AC अप्लायंसेस से कनेक्ट करें तो हम घर की अप्लायंसेस फ्रिज पंखा लाइट वगैरह वो भी चला सकते हैं। इसके अलावा और फंक्शंस की मजीद बात करी जाए तो टाइम बताना, सॉरी इसके अंदर टाइम बताने के क्या नाम है, आपको रेसिपी बनाने की फंक्शंस, अच्छा ये सारे जो फंक्शन है वो AI के अंदर आते हैं। बाकी जो मैंने एक्सटर्नल फीचर्स में रखे हैं वो है कि आपके लाइफ घर में आप बैठे तो आप बैठे बैठे से बोले मूवी खोल ले, यूट्यूब खोल ले, गूगल खोल ले, अमेजोन दराज अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये आपके लिए वो भी कर सकता है, और कोई स्पेसिफिक चीज़ आप सर्च करवाना चाहें तो ये वो भी कर सकते हैं। ठीक है हसनैन, ये भी बताइएगा कि ये रोबोट बनाने का ख्याल कैसे आया आपको, और ये रोबोट आपने कितने अरसे में मुकम्मल किया? ये दरअसल मैं जब छोटा था मुझे इस फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत शौक था, मैं मेरा जो स्क्रीन टाइम था वो भी इंफॉर्मेशनल था, मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखता था, इसकी वजह से मेरा इसमें शौक बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2 साल पहले हमें माउंटेन इस्लाम इंस्टीट्यूट का पता चला जो हमें वॉलंटियरली सिखाते हैं रोबोटिक्स या और भी कोर्सेज भी करवाते हैं, वहाँ मैंने रोबोटिक्स कोर्स किया, रोबोटिक्स कोर्स के फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने ब्लूटूथ कार बनाई थी जिसको आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट द फॉलोइंग ईयर आई मेड वर्चुअल रियलिटी गेम इन द गेम डेवलपमेंट कोर्स ऑफ माउंटेन इस्लाम इंस्टीट्यूट, देन आफ्टर दैट दिस ईयर आई हैव मेड एन AI रोबोट, एंड इसको बनाने में सपोर्ट जो है मैंने बनाया तो खुद ही है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वगैरह, बट अफकोर्स साथ ही बगैर काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने हमें नॉलेज भी प्रोवाइड की थी, बाकी उन्होंने जो 3D प्रिंट्स हैं वो भी उन्होंने आज तक प्रोवाइड किए थे, एंड आफ्टर दैट फिर मैंने इसको जो है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मेरे फादर ने ठीक है, थोड़ा काम है हमें, जल्दी जल्दी बताइएगा कि रोबोट बनाने में कितना खर्चा आया आपका? ये मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बेहतर आइडिया इसका, बट मेरा जो अंदाज़ा है वो इसकी जो 3D प्रिंट्स आज तक हमारे टीचर ने प्रिंटिंग कर दी थी, देन आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मरतबा प्रिंटर ख़राब हुआ, हमें एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं होता तो नहीं होता ऐसा, वरना 13,000 इसकी जो है प्रिंट्स मिले तो हमें कहीं और से इंस्ट्रूमेंट्स को भी काउंट किया जाए, स्प्रे पेंटिंग स्कूल्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो टोटल मैं यही कहूँगा कि 15,000-20,000 मेरे होगा। अच्छा हसनैन, ये भी जानना चाहते हैं, ये बताइए कि आपका जो रोबोट है वो कौन कौन सी जुबानें बोल सकता है, और ये भी बताइएगा कि क्या इसमें खुद से सीखने की सलाहियत भी मौजूद है? ये रोबोट जो है जुबानें बोल तो काफी सकता है, हर जबान बोल सकता है, बट इसके प्रॉब्लम जो है प्रोनाउंसिएशन, बस इसकी अफकोर्स उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश इसकी जो मेन लैंग्वेज है उसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, उर्दू
उर्दू में थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन है, बाकी ये लैंग्वेजेस भी सारी बोल सकते हैं। और समझने की सलाहियत रोमन उर्दू, जैसे रोमन उर्दू आप बोलेंगे तो रोमन उर्दू में समझ लेगा। तो जबानें भी मुख्तलिफ जबानें समझ भी सकते हैं और इसके अंदर सीखने की भी सलाहियत। वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा काम किया। मज़ीद आगे बढ़ें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें सामने बनाकर लेकर आएँ। रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। हम काहिलों में इसलिए नहीं आ रहे कि हम रिपोर्ट से भी काम नहीं करवा रहे हमने इससे पहले स्टोरी शेयर की थी आपके साथ कि हम काहिल 10 कौमों में बिल्कुल नहीं आए, पहली 10 कौमों में, पता नहीं अब नंबर कौन सी जगह पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली 10 में नहीं है। और अगर हम टैलेंट की बात करें तो टैलेंटेड तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, मज़ीद आगे बढ़ें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें।